हेलो गाइस, आ गए मैं एक नई वीडियो के साथ में। और आज हम बात करने वाले ऐसे टूल के बारे में जिससे आप इजीली फाइल शेयर कर सकते हैं एंड्रॉयड टू विंडोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र में ले चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ उसका क्या नाम है। तो गूगल पे आपको ये सर्च करना है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, माई फोन एक्सप्लोरर, ये आपको सर्च करना है और इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक जो भी आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको डाउनलोड करने के लिए। इस तरह की कुछ वेबसाइट खुलेगी आपको, जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड फोल एक्सप्लोरर। तो ये आप इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट करेगा और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मीनवाइल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके लिए आपको सेम वाईफाई नेटवर्क या हॉटस्पॉट से कनेक्ट करोगे तो आपको सेम नेटवर्क पे होना चाहिए। इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपका पीसी और फ़ोन एक ही नेटवर्क पे कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेशन काम करेगी। ये डाउनलोड हो गया, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है, इट टेक सम टाइम। इंस्टॉल होते ही मैंने इसको ओपन कर लिया। तो कुछ इस तरह का इसका यूआई मिलेगा आपको, यहाँ पे एक प्लस का बटन मिलेगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैं कैसे कनेक्ट करेंगे। तो वाईफाई पे क्लिक करके आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको एक बार कोड मिलेगा जिसे आप स्कैन करके फ़ोन का पूरा एक्सेस आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो डिफरेंट कॉलम्स हैं, यहाँ पर कॉल लॉक्स आ गया, कैलेंडर्स आ गया, नोट्स आ गया, जितनी फाइल्स है आपकी बेसिक वो आ जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हो कैसे कनेक्ट करना, ये ऑप्शन बार बार आपको पॉपअप करेगा। मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया है इसको, तो जितनी भी डिटेल्स है आपकी फ़ोन की पूरा एक्सेस एग्जैक्टली आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यूज़ करके कोई भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो पीसी और मोबाइल में, लैपटॉप में। तो बस इतना ही था आज के वीडियो की। कोई भी सवाल इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।